स्कूल शिक्षा विभाग में दोहरी व्यवस्था, उच्च पद प्रभार के साथ चल रही ट्रांसफर पोस्टिंग, देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही दोहरी व्यवस्थाओं ने शिक्षकों को परेशान कर दिया है। करीब 2.5 महीने से उच्च पद प्रभार के साथ अलग से चल रही ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया से स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की स्थायी स्थानांतरण नीति में 31 मई तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होती है, लेकिन इस बार उच्च पद प्रभार के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है। करीब 2.5 महीने से चल रही प्रक्रिया अब समाप्त नहीं हो सकी है, इससे शिक्षक संगठनों में नाराजगी। उच्च पद का ऊपरी क्रम से निचले क्रम में दिया जाता है, लेकिन विभाग के इसके विपरीत प्रक्रिया कर रहा है। इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। बड़ी संख्या में सहायक संचालक के पद रिक्त हैं। इन पदों पर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों की काउंसलिंग को रोके रखा है। सबसे खास बात यह है कि उच्च पद प्रभार की कार्रवाई हेतु प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूर्ण किया जाना था, लेकिन विभाग के अफसरों ने संवैधानिक प्रावधान के तहत जारी उच्च पद प्रभार हेतु राजपद के प्रावधानों को एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा अधिक्रमित कर सभी आदेश को स्वेच्छा कर असहमति देने वालों के लिए अवसर देना पड़ा है। इससे बीती 8 अगस्त के आदेश से काउंसलिंग की गैर पारदर्शी प्रक्रिया लागू किया गया है। इस प्रक्रिया में जूनियरों को मनमर्जी से लाभ दिया जा रहा है और सीनियर आज भी पद स्थापना का इंतजार कर रहे हैं। भदौरिया का कहना है संवैधानिक प्रावधान के तहत उच्च पद के प्रभार की कार्रवाई हेतु प्रकाशित राजपद का पालन जरूरी है, सभी लोक सेवकों के साथ समानता बरतते हुए लागू किया जाए। संवैधानिक प्रावधान के तहत जारी प्रक्रिया का प्रशासनिक आदेश के माध्यम से अधिक्रमित किया जाना उचित नहीं है। प्रधान अध्यापक से सीधे हाई स्कूल प्राचार्य, विभाग ने प्रधान अध्यापक से ऊपरी पद व्याख्याता का प्रभार मिलता है, लेकिन अब इन्हें व्याख्याता का प्रभार ना देकर सीधे हाई स्कूल प्राचार्य बनाया जा रहा है। उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया पहले व्याख्याताओं को हाई स्कूल प्रभार देने की प्रक्रिया चली, इसमें CR देखी गई, लेकिन प्रधान अध्यापक से सीधे हाई स्कूल प्राचार्य बनने में CR को अनदेखा कर दिया गया। तो यह थी उच्च पद प्रभार से संबंधित लेटेस्ट अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।